नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर, बारिश का मौसम आते ही जहरीले जीव जंतुओं का बाहर आना शुरू हो जाता है। वहीं बारिश के चलते करमेंता स्थित श्रीराम इंस्टीट्यूट में एक 4 फीट लंबा सांप फार्मेसी डिपार्टमेंट में घुस आया। जैसे ही डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की नजर सांप पर पड़ी, मौके पर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं कॉलेज का स्टाफ दहशत में बाहर आ गया। वहीं इसकी सूचना तत्काल सर्प विशेषज्ञ को दी गई, जहां मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ ने 4 फीट लंबे सांप को सुरक्षित पकड़ते हुए अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद कॉलेज स्टाफ की जान में जान आई। वहीं सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि कॉलेज में घुसा सांप धामन प्रजाति का है, जो जहरीली नहीं होता है लेकिन दिखने में खतरनाक और काफी लंबा होता है। जहां सर्प विशेषज्ञ ने सांप को पकड़ते हुए जंगल में छोड़ दिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। श्रीराम कॉलेज में सांप निकला था, फार्मेसी डिपार्टमेंट में मेरे को खबर मिली श्रीराम द्वारा, तो पकड़ने आया। ये धामन सांप था, फार्मेसी डिपार्टमेंट में पकड़ा है इसको। कब से आप मैं 20 साल से पकड़ रहा हूँ ये सांपों को, पकड़ने का काम तो 20 साल हो गया मेरे को पकड़ते हुए। महेंद्र सिंह चंदेल। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।